डॉक्टर्स ने कहा था सैंपल से ही पता चलेगा कि क्रॉनिक एलोस्टोमेलाइटिस है, विच इज़ बेसिकली अ बोन फंगस, अल्लाह ना करें या कैंसर या ट्यूमर है. तो वो जो 10 डेज का वेटिंग पीरियड था ना, वो बड़ा क्रूशल था. एंटर हुआ ना तो मेरी वालदा गार्डन में थी सामने, यानी कि कार पार्क के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा गार्डन, वो मेरा इंतजार कर रही थी. तो जब उन्होंने मुझे देखा ना, तो मैं तो बड़ा रिलैक्स था. उन्हें कहा सच सच बताओ डॉक्टर ने क्या कहा. मैंने कहा, उसने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, हम लोग कुछ बता नहीं सकते, बस यही बता सकते हैं कि आपका एक सैंपल लेते हैं तो फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या है. लेकिन हमें वेरी श्योर है कि हम लोग, यानी कि कोई इतना लग नहीं रहा हमें. मेरा पहला आंसर ये था, कहती है मुझे सच सच बता. ये बता सकता हूँ हमारे घर में खा कोई मर्द था, कोई औरत थी, एवरीबडी क्राइड. मैं उससे बड़े सवाल पूछ रहा, मुझे लगता है सर्जन एजिटेट हो गया. कहता मेरी बात सुनो, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ. तुमने सर्जरी ना करवाई, द बॉटम लाइन इज कि तुम्हारा बाजू काटना पड़ेगा फ्रॉम द शोल्डर. कि मैंने कहा हारिस, मैं तुझे इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैंने किसी से सुना नहीं है. स्कैन के आने से पहले, इट डजंट मैटर व्हाट स्कैन सेज, स्कैन कुछ भी के, इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट लाइफ, अबाउट दिस इंजरी, तो ये इंजरी जल्दी हील हो जाएगी और मिनिमम डैमेज के साथ हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू. 3 माह पहले मैं रोया और मैं प्रॉपर रोया कि या अल्लाह हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, मेरे मुल्क का क्या बनेगा, यानी कि मेरे मुल्क के लोगों का क्या बनेगा. इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी, उन्होंने ट्रस्ट किया, मैं उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हूँ. 100% अपनाइत फील होती है मुझे. लाहौर फैमिली ने ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि मैं एक ओवरसीज़ हूँ, और जब रही कसर थी वो फैंस ने निकाल दी, ना उन्होंने फील होने दिया कि मैं ओवरसीज़ हूँ. उन्होंने भी प्यार और सपोर्ट ऐसा ही किया जैसे कि मैं उनका अपना हूँ, और मैं हूँ भी. सो लाहौर के अंदर और PSL, यू नो, एक वो टीम और एक ऐसा टूर्नामेंट है कि जिधर अपनाइत का एहसास, यू नो, बहुत ही ज़्यादा होता है. Lahore Commanders have won the NHPL PSL, and what a show!